विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना ट्विटर बायो बदल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री असम इंडिया की जगह पर मुख्यमंत्री असम भारत कर दिया। इस पर लोग उन्हें जमकर खिंचाई भी कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट भी किया, अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये उन्होंने ट्वीट किया। ट्विटर में आगे लिखा कि हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है और हम भारत के लिए काम करना जारी रखेंगे। हेमंत के ट्वीट के बाद लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी। कांग्रेस नेता पंखुरी पाठक ने असम सीएम के पुराने ट्वीट को शेयर किया जिसमें उन्होंने इंडिया लिखा हुआ था। इसी पर पंखुरी ने लिखा कि हर तरफ इंडिया ही इंडिया है, क्या हो रहा है यह? वैसे यह ट्वीट किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? आपने किस भारतीय भाषा में लिखा? सिद्धार्थ नाम के एक यूजर ने लिखा कि खुद का और मोदी जी का प्रोफाइल तो चेंज कर लेते पहले। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के यूथ कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि धन्यवाद, अभी से प्रचार करने के लिए वोट फॉर इंडिया, जीतेगा इंडिया। कांग्रेस के सुमित ने लिखा कि हेमंत बिस्व शर्मा हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं, आज तो ट्रोल हो गए, चर्चा ही चर्चा है चारों ओर, गजब का आईक्यू है इनका, वो इंडिया से भारत हो गए हैं, ज्यादा ही फर्क समझ गए हैं ये सावरकर जीवी। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुरेनेत ने ट्विटर पर लिखा कि हेमंत बिस्व शर्मा जी एक कर दिया एक रह गया, आप कहां उलझ रहे हैं, भारत इंडिया में, दोनों आपकी समझ से परे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसी के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना ट्विटर बायो बदल दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह भी पूछा कि अगर इंडिया से तकलीफ है तो स्टार्टअप इंडिया, स्केल इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया के नारे का क्या होगा। खैर, 26 दलों के गठजोड़ का नाम है इंडिया, गठबंधन का नाम तय हो गया है, लेकिन इन तस्वीरों का सियासी मतलब क्या है? विपक्षी एकता को लेकर दो दिवसीय मंथन से 2024 के लिए क्या प्लान निकाला गया? विपक्षी एकता सम्मेलन में नेताओं के हाथ मिले लेकिन क्या ना मिले, किस क्या ये दिल मिले या ना मिले, इन सवालों का जवाब विपक्षी एकता की इन तस्वीरों में भी छिपा हुआ है। क्योंकि 2024 के लिए विपक्षी दलों ने मोदी को बड़ा संदेश दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि गठबंधन का नाम इंडिया ही क्यों रखा गया? राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि ये बीजेपी और विपक्ष के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसलिए गठबंधन का नाम इंडिया चुना गया। और तो और ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि अब रियल चैलेंज स्टार्टअप हो चुका है। 2024 के राजनीति के कैनवास पर बेंगलुरु में खींची गई नई तस्वीर तो छप चुकी है। मोदी को हराने की सौगंध भी लिया जा चुका है, पूरा प्लान और खाका तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्टेप बाय स्टेप कब क्या करना है ये भी प्लान तैयार है। इस नए नामकरण से ये तो साफ हो चुका है कि अब चुनाव में बार बार इंडिया का नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होगा। कहीं ना कहीं ये नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता है। ऐसे में समझा जा रहा है कि विपक्ष के गठबंधन का इंडिया नाम नया मोमेंटम पैदा कर सकता है और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ भी माहौल पैदा के लिए काफी सोच समझकर ये नाम चुना गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।